Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. हमें एक मैंगो ग्रोव बनाना है जो कि रेक्टेंगुलर शेप होगा, जहां पर लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ की और एरिया दे रखा है 800। हमसे लेंथ और ब्रेथ मांगी गई है, तो हम मान लेते हैं कि ब्रेथ x है, तभी तो लेंथ 2x होगी, ट्वाइस होगी, और एरिया 800 दिया ही गया। लेट ब्रेथ बी x मीटर्स एंड लेंथ बी 2x मीटर्स, और एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2x टाइम्स x और 2x स्क्वायर, पर ये एरिया हमें 800 दिया गया है। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें तो 400 आ गया। ये है 20 का स्क्वायर, यानी x हो गया प्लस माइनस 20, क्योंकि हम जानते हैं जब x स्क्वायर a स्क्वायर होता है तो x प्लस माइनस a होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जीरो हो जाता है, और इस तरह से x माइनस a, x प्लस a, दो आंसर्स आते हैं, एक x इक्वल्स टू a देता है और एक x इक्वल्स टू माइनस a देता है। तो इस तरह से x हमारे पास प्लस माइनस 20 है, हम नेगेटिव 20 नहीं ले सकते बिकॉज इट्स ब्रेथ, देयरफॉर x इज 20। इसका मतलब ब्रेथ हो गई 20 मीटर्स और लेंथ जो कि उसकी डबल है वो हो गई 40 मीटर्स, तो आंसर है 40 एंड 20 मीटर्स।